हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भाजपा कांग्रेस पार्षदों ने तहसीलदार को सौंपा इस्तीफा। भाजपा के 10 व कांग्रेस के 2 पार्षदों ने दिया त्याग पत्र। मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा सामूहिक त्याग पत्र। नगर पालिका ईओ त्रिकमदान चानन प्रशासन पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। उनकी कार्यशैली से नाराज पालिका पार्षद नगर पालिका के बाहर धरना दे रहे हैं। ईओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार व प्रशासन ने कारिंदों के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। इसी से आहत होकर भाजपा कांग्रेस के पार्षदों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार दिनेश आचार्य को सामूहिक इस्तीफा सौंप दिए। लेकिन इस सबके बीच भाजपा के पालिका अध्यक्ष सुरेश सिंदल व कांग्रेस व अन्य पार्षदों ने अपनी ही पार्टी के पार्षदों से दूरी बना ली। उन्होंने पार्षदों की सूद लेना तक जरूरी नहीं समझा। पालिका अधिशासी अधिकारी की कार्यशैली से असंतुष्ट भाजपा व कांग्रेस के पार्षद लगातार राज्य सरकार उच्च अधिकारियों को अवगत कराते रहे, लेकिन जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज करने वाले अधिशासी अधिकारी पर प्रशासन मेहरबान बना रहा। जनप्रतिनिधियों की मांग के बावजूद भी जरूरतमंदों को 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता नहीं दी गई। वहीं 4 मई की मध्य रात्रि को शांति कुंज के बाहर अस्थायी दुकानों को तोड़ दिया गया। बाद में ईओ ने लिखित में मुआवजा व मरम्मत करवाने का भरोसा दिलाया, लेकिन ना तो दुकानदारों का मुआवजा मिला और ना ही दुकानें मरम्मत की गई। भाजपा के 10 व कांग्रेस के 2 पार्षदों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सामूहिक इस्तीफा सौंप दिए, साथ ही ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ईओ के जालौर नगर परिषद में भ्रष्टाचार के मामले में ट्रेप होने, शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से सरकार की छवि धूमिल होने का हवाला दिया गया है। साथ ही 24 घंटे में ईओ निलंबन नहीं किए जाने पर उनके सामूहिक त्याग पत्र स्वीकार करने का उल्लेख किया गया है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए अमित सांभरिया भाजपा पार्षद आबू रोड, इन्होंने ये कहा। अधिशासी अधिकारी की हठधर्मिता के कारण में कुछ इस तरीके से है कि 4 मई को मध्य रात्रि को बिना किसी लिखित मौखिक सूचना के शांति कुंज के बाहर वेंडर जोन से अस्थायी दुकानें बिना किसी सूचना के तोड़ दी गई। उसके बाद में उन्होंने 2 दिन थाना अधिकारी, तहसीलदार व पालिका अध्यक्ष के सामने लिख के दिया कि मेरे से जो गलत हुआ है उसका मैं हर्जाना या भुगतान कर दूंगा। लेकिन उसके बाद वो अपनी बात से मुकर गए। कई दिनों से यहाँ पर वेंडर जोन में जो अस्थायी दुकान के थे उस लोग यहाँ पर पीड़ित लोग यहाँ पर धरना देके बैठे हैं। उन पीड़ितों को धरना का समर्थन यहाँ के स्थानीय पार्षदों ने दिया, तो हमसे डर कर या सरकार इनकी तानाशाही से इन्होंने हमारे मुकदमे दर्ज करा दिए। जब से इसे अधिशासी अधिकारी आए हैं शहर में एक भी विकास कार्य नहीं हुआ है, गलत गलत काम हो रहा है। 412 पट्टा नंबर के इन्होंने नामांतरण कर दिया, जो विचाराधीन मामला हाईकोर्ट के अंदर, विकास कार्य एक भी नहीं हो रहे हैं। और नगर पालिका में जो जिला परिषद से किट आया है वो बड़े बड़े सड़ रहे हैं, लेकिन किसी को भी देने दे नहीं रहे। और आज कल आज जब न्यूज़ अखबार में छपी तो प्रवासी लोगों को इन्होंने वो जहरनुमा किट हो गए थे, वो पूरे प्लास्टिक में पड़े हुए सड़ रहे थे, उनको बांट दिए। ये तो पार्षदों की जागरूकता की वजह से उनको किट बदल के दूसरे दिए। बड़ी तानाशाही की स्थिति है आबू रोड में। सब हम कलेक्टर से मिल लिए, स्थानीय एमएलए को बोल दिया, हमारे सांसद साहब से मिल लिए, लेकिन इसका कोई ठीक से निराकरण नहीं हो पा रहा है। आपके योगेश सिंगल कांग्रेस पार्षद आबू रोड, इन्होंने जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए ये कहा। का फायदा उठाते हुए विभिन्न धाराओं में हमारे पे मुकदमा दर्ज करा दिया। जनता की, जनप्रतिनिधियों की आवाज को दबा रहे और नगर पालिका पूर्ण रूप से तानाशाही रवे अपनाए हुए और प्रशासन इस पे मौन और चुप्पी साधे हुए। आज सभी पार्षदों ने त्रस्त होके, उन्होंने सबका एक ही मत था कि हम लोग नगर पालिका में केवल 1,850 रुपये लेने के लिए पार्षद नहीं है। जब जन सुनवाई और जन सेवा नहीं हो सक रही तो सामूहिक इस्तीफे तहसीलदार को दिए है मुख्यमंत्री के नाम से। जागरूक टीवी के लिए आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।